हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और हमारा टॉपिक चल रहा है लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स पे अब तक हम चार वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। होपफुली अब तक बेसिक्स आपको लाप्लास इनवर्स के क्लियर हो चुके होंगे। तो साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जब भी टर्म्स आपके पास प्रोडक्ट में पड़ी हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से उनको सेपरेट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तब इंडिविजुअली उनका लाप्लास इनवर्स कर लें। ठीक है, प्रोडक्ट में अगर आपको लाप्लास करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन से, दूसरा कन्वोल्यूशन थ्योरम से, जो लेटर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ साथ वीडियो लेक्चर्स को ऑनलाइन देखिए यूट्यूब पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 इनटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आ चुका है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में ईयर 2018 में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ईयर 2016 में, बीटीयू वेल्लोर में ईयर 2012 2011 और 2008 में, एमडीयू रोहतक में ईयर 2009 में और यूपीटी यूपी में ईयर 2005 में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लाप्लास इनवर्स निकालना है आपको इस फंक्शन का। अगर आप ध्यान से देखें डिनोमिनेटर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में एक s माइनस 1 पड़ा है। आपको पता है s माइनस 1 का लाप्लास इनवर्स आपको डायरेक्ट आता है, e की पावर at वाला फॉर्मूला लगेगा। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म पड़ी है जो मैं लेक्चर नंबर 3 में आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुका हूं। तो अगर ये दोनों सेपरेट हो जाए, मतलब s माइनस 1 की टर्म अलग हो जाए और s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 की टर्म अलग हो जाए, तो मैं आराम से इसका लाप्लास इनवर्स कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी आपको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो वी डू हैव अनदर वन ऑप्शन दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। मैं पहले बता चुका हूं पार्शियल फ्रैक्शन ना इंटीग्रेशन करता, ना लाप्लास इनवर्स करता, ना कुछ और करता, जस्ट जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करता है। तो फ्यूचर में भी अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी कि मुझे डिनोमिनेटर के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग करने हैं, तो आप वहां भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन वन। नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने से पहले वेरी फर्स्ट जॉब क्या होती है, न्यूमरेटर की डिग्री। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 1। डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री देखेंगे तो 3 आएगी, तो ये क्लियर है। उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर की हर टर्म को अलग अलग किया, लीनियर को अलग कर दिया, क्वाड्रेटिक को अलग कर दिया। आपको पता है लीनियर के न्यूमरेटर में हमेशा हम कॉन्स्टेंट अटैच करते हैं। और अब आई नई टाइप दैट इज क्वाड्रेटिक। तो अगर क्वाड्रेटिक आए डिनोमिनेटर में है तो हम वहां दो कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, दैट इज बी एस प्लस सी, एक एस के साथ और एक अकेला। ठीक है, अगर मेरा एबीसी यूज होता तो डी एस प्लस ई लगा देता मैं, तो ऑब्वियसली जो भी आपके नेक्स्ट कॉन्स्टेंट बचे हैं वो लगाएंगे एक एस की टर्म के साथ एक खाली। दोबारा बता देता हूं, अगर आपके डिनोमिनेटर में लीनियर हो तो एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट लगेगा, और क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक होता है जहां पावर 2 होती है, वहां एक एस की टर्म लगेगी, एक कॉन्स्टेंट टर्म लगेगी, तो एस की टर्म के साथ भी कॉन्स्टेंट लगेगा। तो अब आपको पता है आपका ए यूज हो चुका है, तो आपकी मर्जी है कि आपने नेक्स्ट कॉन्स्टेंट कौन से यूज करने हैं। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, आप इसका एलसीएम लेते हैं या ये जो डिनोमिनेटर है इसको उठा के राइट में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज बचेगा, जब एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एस माइनस 1 कट जाएगा, तो ए के साथ बचेगा एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 प्लस, पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 5 कटेगा, तो बी एस प्लस सी के साथ बचेगा एस माइनस 1। ठीक है, क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां चार अननोन है, एक एस, एक ए, एक बी और सी। तो ऑब्वियसली अगर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, एस की। आपको मैंने बताया था यू आर टोटली फ्री विद द वैल्यू ऑफ एस, आप जो मर्जी मन में आए वो आप एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड अगर लीनियर फैक्टर हो तो आप उनसे पूछ लो कि क्या वैल्यू पे वो जीरो हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें एक डिनोमिनेटर में एक लीनियर टर्म है तो ये किस पे जीरो होगा, एस माइनस 1 दैट इज 1 पे। तो पुट एस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो एस की वैल्यू 1 पुट करो तो 5 इंटू 1 प्लस 3 ए 1 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, और अब यहां पे s की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो जीरो। ठीक है, तो वहां कुछ बचा ही नहीं, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यह आया लेफ्ट में 8, यह आया a 1 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज आई थिंक 8, तो a की वैल्यू आई सिंप्लीफाई करके 1, तो a की वैल्यू आ गई बच्चे 1।
अब आपके पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर पड़ा था, तो आप वहीं से आप पता कर पाए कि एस की वैल्यू क्या पुट करनी बेटर रहेगी। बाकी आपके पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आप चाह के भी कोई वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब आपको पता है आपको दो कॉन्स्टेंट्स और बचे हुए हैं बी और सी, तो आपको दो वैल्यूज और एस की पुट करनी है, वो भी अपनी मर्जी से पुट करनी पड़ेंगी क्योंकि और कोई वैल्यू मैं नहीं दे रहा। तो सबसे पहला तो तरीका है पुट एस इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है एक बेस्ट ऑप्शन होता है, आप एस की जगह जीरो पुट कर लीजिए इन इक्वेशन नंबर थ्री, पुट कीजिए तो 5 × 0 +3 a 0 + 0 + 5। यहां पे जीरो पुट करोगे तो b × 0 + c, और यहां जीरो पुट करोगे तो -1 बचेगा। तो अब ये सिंप्लीफाई करो तो यहां आएगा 3 लेफ्ट में, यहां बचेगा 5a, b तो जीरो हो गया और -c। तो बढ़िया है, a की वैल्यू मुझे पता है तो पुट कर दो, ठीक है। तो अब सोल्व करो इसको, तो ये बचा 3 - 5 = -c, -2 = -c, c = 2। तो c की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, ठीक है। तो होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके पास एक अननोन बचा हुआ है b, तो अब इसके लिए कुछ और वैल्यू पुट कर लो, मर्जी आपकी है। तो मैं पुट s = 2 कर लेता हूं इन इक्वेशन थ्री, वी गेट, मर्जी टोटल आपकी होती है कि क्या पुट करना है। आप 1 लाख भी पुट कर सकते थे, 3/10 भी पुट कर सकते थे, यहाँ -1 भी पुट कर सकते थे, ठीक है। तो 2 पुट करोगे तो ये आएगा 5 × 2 + 3 = a × 4 + 5, ये बचेगा 2b + c यहाँ पे, और एस की जगह 2 पुट करोगे तो 1 बचेगा वो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई सोल्व करके, 5 × 2 = 10, 10 + 3 = 13, ये क्या बचा 8, 13a, ये क्या बचा +2b + c। ऑब्वियसली इक्वेशन में आपका ए बी है, बी बी है, सी बी है। अब आपको ए और सी की वैल्यू पता है तो पुट कर दो, तो 13 = 13 × 1 + 2b, और सी की वैल्यू है 2। तो ये सोल्व करके आया 13 - 13 - 2 = 2b, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके आया -2 = 2b, और b की वैल्यू आई -1। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब a b c की तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो जिस भी तरीके से आपने निकाल ली वो आ गई। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन टू, वी गेट। तो आपको इक्वेशन टू पता है, तो ये है इक्वेशन टू, आप इसमें पुट कीजिए ए बी सी की वैल्यू, तो आया 5s + 3 / s - 1 s² + 2s + 5 = a, a मेरा आया था बच्चे 1, तो आया 1/s - 1 + b, b मेरा आया -1 तो -s, और c मेरा आया 2 तो +2 / s² + 2s + 5, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। तो अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन ने जो ये इकट्ठे डिनोमिनेटर थे उनको अलग अलग कर दिया, अब आपका काम स्टार्ट होता है लाप्लास इनवर्स करने का, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, इक्वेशन वन क्या कहती है, लाप्लास इनवर्स निकालने दिया आपको 5s + 3 / s - 1 / s² + 2s + 5 से, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो इसकी वैल्यू है 1/s - 1 + 2 - s, लिख लेता हूं क्योंकि s नेगेटिव है, /s² + 2s + 5, क्लियर हो गया। मैंने इसकी वैल्यू यहां पुट कर ली। अब आप इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना आता है। अब आपको पता है लाप्लास इनवर्स जो है वो प्लस माइनस में बढ़ जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ करा चुका हूं लाप्लास में। तो आपको पता है 1/s - 1 का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, e की पावर at, तो 1/s - 1 का कितना होगा, e की पावर t। तो यहां तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस तरह के मैंने लाप्लास इनवर्स आपको थर्ड लेक्चर में कराए थे, तो मैंने बताया था जब भी डिनोमिनेटर में
क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो सबसे पहले चेक करते हैं एस का क्वेश्चन वन है कि नहीं, वो लकली वन है। फिर आप एस की टर्म है कि नहीं, अगर एस की टर्म है तो उसको एलिमिनेट करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से। तो करें तो कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड में मैंने क्या बताया था, एस के क्वेश्चन का हाफ करके उसका स्केयर ही ऐड करते हैं और उसका स्केयर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो मैंने बताया था। अगर आपको इस टाइप में कोई डाउट है तो लेक्चर नंबर 3 दोबारा देख लीजिएगा। अब ये क्या बचा, एक पार्टी माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। नीचे मैंने बताया था उसके बाद जो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, एडिशन वाला आपने एस स्क्वेयर और एस के साथ रखना होता है और सब्ट्रैक्शन वाला आज आप खोलो तो -1 + 5, तो ये बचा e की पावर t माइनस लाप्लास इनवर्स। अब आपको पता है इसका होल स्केयर बनाते हो आप यहां पे, तो होल स्केयर किसका बनेगा ये, तो फर्स्ट टर्म हमेशा s आती है, सेकंड टर्म हमेशा जो हाफ करके आया वो आती है और प्लस माइनस यहां से पता लगेगा, तो s+1 का स्क्वेयर और +4, तो ये बना। उसके बाद हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताई थी, एस का क्वेश्चन वन होना चाहिए, तो लकीली एस का क्वेश्चन भी वन है। उसके बाद मैंने बताया था अगर न्यूमरेटर में हो इस टर्म का स्क्वेयर रूट होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में अगर होगा तो s+1 चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए, तो मैं e की पावर t माइनस लाप्लास इनवर्स, तो मुझे s+1 चाहिए न्यूमरेटर में, तो मैं एक +1 कर लेता हूं, -1 -2। तो इस बार मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं एक पूरा लेक्चर इस पे करा चुका हूं। तो ये बच्चे बच्चे s+1 के नीचे अलग कर दो और ये बचा -3 s+1 का स्क्वेयर +4, तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब e की पावर t एज इट इज माइनस लाप्लास इनवर्स बांट दो s+1 अपॉन s+1 का स्क्वेयर +4 पे अलग, इसको लाप्लास इनवर्स अलग मिलेगी, माइनस माइनस प्लस, कांस्टेंट को बाहर रखो अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ओवर s+1 का स्क्वेयर +4। अगर आप ध्यान से देखिए जहां भी फॉर्मूले में s होना चाहिए वहां फॉर्मूले में s+1 है, तो आपको पता है s की जगह s+1 किसकी वजह से आता है, e की पावर -t की वजह से, आपको पता होगा ये बात। तो लाप्लास इनवर्स किसकी बची, जब e की पावर -t आता है तो वो s की जगह s+1 करता है, तो जब e की पावर -t वापस दे दिया तो s+1 की जगह दोबारा s हो जाएगा। सिमिलरली +3 e की पावर -t लाप्लास इनवर्स किसका बचा, 1 ओवर s² + 4 का। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, क्योंकि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर ए टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, तो मैंने बताया था अगर एस की जगह एस माइनस ए हो तो वापस दे दो। ये ट्रिक आपको समझ आनी चाहिए, लेक्चर 3 में मैं टोटल 4 क्वेश्चन करा चुका हूं इस टाइप के, तो होपफुली वहां समझ आ गई होगी। अब आपको पता है ए की पावर टी एज इट इज है, ये की पावर -t एज इट इज है, आपको पता है s/s² + 4, न्यूमरेटर में s हो तो वो cos का फॉर्मूला बनता है और नीचे प्लस है तो ये cos at का फॉर्मूला बनेगा, तो आपको पता है ये cos at का फॉर्मूला होता है और a आपका है यहाँ 2 क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, +3 e की पावर -t एज इट इज। अब ये है न्यूमरेटर में है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा और s² + a² आएगा 2 स्क्वायर, तो 1/2 sin 2t, तो 1/a sin at, तो a आपका 2 था तो पुट कर दिया, तो e की पावर t माइनस e की पावर -t cos 2t +3/2 e की पावर -t sin 2t, तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन, तो होपफुली समय आ गया होगा। तो मेनली हमने यहां पे अलग जो सीखा वो पार्शियल फ्रैक्शन सीखा, उसके बाद ये वाला काम तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्शियल फ्रैक्शन पे, सो दैट यू विल गेट ना मोर गुड आइडिया अबाउट। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1 × s² + 4। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यूपीटी यूपी में ये 2018 में आ चुका है, एमडीयू रोहतक में ये 2017 में आ चुका है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स आपको निकालनी है s/s² + 1 × s² + 4 की। इन दोनों का लाप्लास इनवर्स मुझे पता है अगर ये इंडिविजुअल होते, बट प्रोडक्ट में लाप्लास इनवर्स आप नहीं बांट सकते, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम समझ रहे हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम लेटर लेक्चर में करेंगे। तो नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन का वेरी फर्स्ट थंब रूल, न्यूमरेटर की डिग्री दैट इज 1, डिनोमिनेटर की डिग्री दैट इज 4, उससे कम होनी चाहिए, तो दैट इज राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनको सबको अलग अलग लिख लोगे,
उसके बाद अगर डिनोमिनेटर्स लीनियर है तो न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट लिखोगे, और डिनोमिनेटर्स क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में एक एस की टर्म और एक कॉन्स्टेंट लिखोगे। तो अगर आप देख सकते हैं ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसके ऊपर भी एक एस की टर्म और एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो मैंने ए एस प्लस बी लिख दिया, मेरे ए और बी यूज हो चुके हैं, तो मैं यहाँ सी एस प्लस डी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो होपफुली समय आगे होगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ टू। अब यहां से आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं आप, तो आप कर लो एलसीएम या फिर इस डिनोमिनेटर को दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दो, तो ये बचेगा एस, इस पूरे टर्म के साथ इसको प्रोडक्ट करोगे तो एस केयर प्लस वन कट जाएगा, ए एस प्लस बी के साथ बचेगा एस केयर प्लस फोर प्लस, और सी एस प्लस डी के साथ बचेगा एस केयर प्लस वन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं उसको इक्वेशन नंबर थ्री, तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां एक दिक्कत है, थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि यहां पे चार अननोन है, फर्स्ट तो ए बी सी और डी, दूसरी बात यहां पे कोई भी मेरा फैक्टर लीनियर नहीं है जिसकी वजह से मुझे एस की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाए, जिससे कुछ टर्म्स जीरो हो जाए और बाकी टर्म नॉन जीरो हो जाए। तो यहां पे मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू एक्सप्रेशन नहीं दे रहा जिसपे मैं आसानी से अननोन की वैल्यू निकाल पाऊं, तो यहां पे मेरे चार अननोन है ए बी सी डी, तो अगर मैं चार बार एस की वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास ए बी सी डी में चार इक्वेशंस आएंगी, ऑब्वियसली उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दूसरा मेरे पास एक तरीका है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, तब आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करते हैं, मैं आपको एस की वैल्यू पुट करने के काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, मैं कोफिशिएंट कंपेयर करने का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मर्जी आपकी है टोटली। तो कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, दोनों तरफ जितना भी सिंप्लीफाई हो सके कर लो, तो एस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो ए एस क्यूब प्लस फोर ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस फोर बी, सिमिलरली यहां मल्टीप्लाई करो सी एस क्यूब प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी, तो ये मेरे पास आया। तो अब इसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस की टर्म अलग अलग कर लो, तो आपको पता है एस क्यूब की दो टर्म्स हैं तो मैं उनको अलग कर लेता हूं, तो ए प्लस सी एक्स क्यूब, एस स्क्वेयर की दो टर्म है तो बी प्लस डी एस स्क्वेयर, एस की भी दो टर्म्स हैं तो फोर ए प्लस सी इंटू एस, और कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट की भी दो टर्म्स हैं फोर बी प्लस डी, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर ध्यान से देखें पूरे राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है, और अलग अलग टर्म्स को मैं अलग अलग कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा क्वेश्चन कंपेयर करूंगा, नाउ बाय कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ एस क्यूब बोथ साइड्स, तो जनरली हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर लेफ्ट में आप देखें एस क्यूब की कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशेंट लेफ्ट में जीरो है, और राइट में एस क्यूब का कोफिशेंट है ए प्लस सी, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वेयर बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ एस स्क्वायर का ऑप्शन उठा लो, तो लेफ्ट में एस स्क्वायर का ऑप्शन अगेन जीरो है, राइट में एस स्क्वायर का ऑप्शन बी प्लस डी है, तो अगेन एक एक्सप्रेशन और बन गया मेरे पास, तो बी प्लस डी की वैल्यू भी जीरो है, बट अब तक मैं सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये ए और सी में बना है और ये बी और डी में, तो नेक्स्ट कोफिशियंट ऑफ एस बोथ साइड, तो अगर आप ध्यान से देखें लेफ्ट में एस की टर्म है उसका ऑप्शन है वन, और राइट में एस की टर्म है उसका कोएफिशिएंट है फोर ए प्लस सी, तो मेरे पास ए और सी में एक इक्वेशन और आ गई। लो जी, तो बढ़िया, ए सी में एक इक्वेशन यहां पड़ी है, ए और सी में एक इक्वेशन यहां आ गई, तो इक्वेशन नंबर फोर मान लेता हूं, इसको फाइव इसको सिक्स, लास्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो कॉन्स्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट लेंगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट में अगर देखें कॉन्स्टेंट टर्म कोई है नहीं और राइट में कॉन्स्टेंट टर्म है फोर बी प्लस डी, तो मेरे पास बी और डी में भी एक इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन नंबर सेवन। तो थोड़ा मुश्किल जुड़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बट इतना भी नहीं है कि भी आप कर नहीं सकते। तो अब आपके पास ए सी में दो इक्वेशन है तो आप आराम से, तो ए प्लस सी जीरो है और फोर ए प्लस सी वन है, तो मैं यहां से सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, माइनस ए यहां पुट करता हूं, फोर ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू वन, थ्री ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू आई 1/3, तो अगर ए की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहां पुट करो, सी की वैल्यू आएगी -1/3, तो मेरे पास ए आ चुका है और सी आ चुका है, तो मैंने फोर और सिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया, तो कुछ सिंप्लीफाई में कुछ नहीं किया,
एक एक्सप्रेशन से सी की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप लिखना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 लिख भी सकते हैं, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7। मेरे पास एक इक्वेशन है बी प्लस डी इजक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है 4b + d इजक्वल टू 0। यहां से d की वैल्यू निकाल लेता हूं, मर्जी आपकी है जिस मर्जी की निकाल लो, यहां पुट करो 4b - d इजक्वल टू 0, ये आएगा 3b इजक्वल टू 0, तो b की वैल्यू है 0, b की वैल्यू यहां पुट करोगे तो d भी आएगा 0, तो b और d भी आ चुका है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं पड़ा था। अब ए बी सी डी सब आ चुका है, नाउ पुट दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 2, वी गेट, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या थी ये, तो क्या बचा, लेफ्ट लिख लेता हूं पहले, एस ओवर s² + 1 * s² + 4 इजल टू as + b, तो a की वैल्यू आई 1/3, तो 1/3 s + b, b की वैल्यू आई 0 अपॉन s² + 1, ठीक है, अपॉन s² + 1 प्लस cs + d अपॉन s² + 4, तो c कितना आया प्लस c - 1/3 s + d 0 अपॉन s² + 4। ठीक है, इक्वेशन 2 में ए बी सी और डी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 1/3 थी, बी की 0 थी, सी की -1/3 थी और डी की 0 थी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बचा 1/3 s/s² + 1 और -1/3 s/s² + 4, तो ये बचा, तो ये वैल्यू आ चुकी है इसकी जिसका आपको लाप्लास इनवर्स करना था। बस अब हो गए क्वेश्चन खुद खत्म ऑलमोस्ट, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, आपको लाप्लास इनवर्स किसका निकालना है, s/s² + 1 * s² + 4 का। ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई 1/3 s/s² + 1 - 1/3 s/s² + 4, तो अब आपको पता है प्लस माइनस में लाप्लास इनवर्स बढ़ जाता है, लाप्लास इनवर्स 1/3 बाहर s/s² + 1 - 1/3 लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 4। अब आपको पता है न्यूमरेटर में s है तो ये दोनों कोस के फॉर्मूले बनेंगे, नीचे प्लस है तो एक कोस at बनेगा, हाइपरबोलिक नहीं बनेगा, और साथ साथ यहां a² है तो यहां a1 है और यहां 2² है, यहां 2 है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/3, ये आएगा cos t और ये आएगा cos 2t, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन करने में जरूर टाइम लगा होगा बट लाप्लास इनवर्स इसकी काफी आसान थी तो वो मैंने फटाफट कर दी, बट पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा टाइम लगा। ओके, तो होपफुली पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर को सो दैट यू विल गेट ना गुड आइडिया अबाउट द लेक्चर इटसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 था, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 5s + 3 अपॉन s - 1 * s² + 2s + 5। तो सबसे पहले आपको पता है s - 1 का लाप्लास इनवर्स आपको अलग से आता है और s² + 2s + 5 का आप अलग से निकाल सकते हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज की तो डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, आपको पता है ये लीनियर है तो कांस्टेंट आएगा न्यूमरेटर में, आपको पता है क्वाड्रेटिक है तो एक s की टर्म आएगी, कांस्टेंट आएगा, उसके बाद ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा आपका एक्सप्रेशन। तो अब आपको पता है एक लीनियर फैक्टर था यहाँ पे तो वो खुद बता देगा कि s की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, इट्स गुड कि आप उसकी बात सुने, नहीं तो आपकी मर्जी है, तो पुट s = 1 इसके अकॉर्डिंग, तो जब s की वैल्यू 1 पुट की तो a की वैल्यू आ गई 1, उसके बाद कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है तो अब मैं नहीं बता सकता s की वैल्यू और क्या पुट करनी चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट करूंगा, तो एक बेस्ट रहता है s की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो जब s की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास a और c में एक एक्सप्रेशन आया, a की वैल्यू मुझे पता थी तो ऑब्वियसली मेरी c की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद मैं एक वैल्यू और पुट करनी है तो मैं s की जगह 2 पुट कर लेता हूं, आपकी मर्जी, आप कुछ और भी पुट कर सकते थे, वह आंसर सेम आएगा, तो s की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास ए बी सी में एक एक्सप्रेशन आएगा, ए और सी की वैल्यू मुझे पता थी वहां से मेरी बी की वैल्यू निकल गई, तो अब ऑब्वियसली ए पता है बी पता है सी पता है तो इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो मेरे पास
पार्शियल फ्रैक्शन खत्म होगी। बट अब आपको इसकी लाप्लास इन्वर्स करनी है, तो 1/s-1 की लाप्लास इन्वर्स आपको आती है, और इसकी लाप्लास इन्वर्स करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो आपको पता नीचे क्वाड्रेटिक है, तो पूरा लेक्चर नंबर 3 मैंने क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर्स पे ही कराया है, तो होपफुली वो आपको आता होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक में क्या चेक करते हैं कि एस के का क्वेश्चन 1 है कि नहीं, वो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद एस की टर्म है क्या, अगर एस की टर्म है तो उसको एलिमिनेट करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, एस स्क्वायर और एस को सेम रखते हैं, इसके कोएफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ही ऐड करेंगे, स्क्वायर ही सबट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड वाली टर्म अपने साथ रखेंगे, सबट्रैक्ट वाली बाहर। तो उसके बाद ये बना एस प्लस 1 का स्क्वायर, मैं बता चुका हूं कैसे, और ये बचा 4। उसके बाद मैंने स्टेप 3 क्या बताया था, एस का ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो लकीली एस का ऑप्शन 1 है, तो बढ़िया है। स्टेप 4 क्या बताया था, न्यूमरेटर में अगर हो तो या तो इसका स्क्वायर रूट हो या कॉन्स्टेंट हो, तो इसका स्केयर रूट बनता है एस प्लस 1। तो अगर होगा तो एस प्लस 1 होगा, नहीं तो कॉन्स्टेंट होगा। तो अगर एस है तो प्लस 1, माइनस 1 कर दिया, तो एस प्लस 1 को अलग दे दिया डिनोमेटर और माइनस 3 को अलग दे दिया डिनोमेटर, क्योंकि या तो एस प्लस 1 चाहिए न्यूमरेटर में या कॉन्स्टेंट चाहिए। तो उसके बाद आपका जहां जहां एस होना चाहिए फॉर्मूले में वहां क्या पड़ा है, एस प्लस 1, तो ई की पावर माइनस टी की वजह से पड़ा होगा, और वापस एस प्लस 1 की जगह एस आ गया। सिमिलरली यहां भी एस की जगह एस प्लस 1 पड़ा है, तो ई की पावर माइनस टी वापस दे दिया, तो लाप्लास इनवर्स किसका बच गया, वो 1/s² + 4 का। तो आपको पता है न्यूमरेटर में एस है तो ये कोस का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट है तो ये साइन का, तो ये होता कोस ए टी, तो ए यहाँ 2 है तो कोस 2t। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला साइन का बनेगा, आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a sin a t, तो ए आपका 2 है तो 1/2 sin 2t। सिंप्लीफाई किया ये आपका आया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा लाप्लास इनवर्स करने में टाइम ज्यादा लगा, पार्शियल फ्रैक्शन इतना मुश्किल नहीं था इसका। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 1 × s² + 4। लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो दोनों डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेगा, न्यूमरेटर में as + b और cs + d लगाएगा, एक s की टर्म और एक कांस्टेंट। नाम क्या रखना कांस्टेंट का वो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद एलसीएम लिया, ये आया। अब यहां पे कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर नहीं है जो लीनियर हो, लीनियर हो नहीं होगा तो एस की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, हमें अपनी मर्जी से पुट करनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका है कि आप चार बार, क्योंकि आपके चार कॉन्स्टेंट हैं तो आप चार बार एस की वैल्यूज पुट कर लें। दूसरा तरीका है कोएफिशिएंट कंपेयर करने का, तो मैं यहां कोएफिशिएंट कंपेरिजन वाला मेथड करा रहा हूं, सो दैट वो भी मेथड आपको समय आ जाए। तो कोएफिशिएंट मेथड कंपेरिजन मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसकी पूरी प्रोडक्ट खोल ली तो मेरे पास आया ये। उसके बाद एस क्यूब की टर्म्स अलग कर ली, एस स्क्वायर की टर्म्स अलग कर ली, एस की टर्म्स अलग कर ली, और कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग अलग कर ली। उसके बाद दोनों तरफ 1/1 कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, सबसे हाईएस्ट पावर एस क्यूब, तो एस क्यूब का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, इधर कोई टर्म नहीं है एस क्यूब की तो 0, और राइट में ए प्लस सी है तो ए प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली एस का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो लेफ्ट में 0, राइट में बी प्लस डी। सिमिलरली एस का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो लेफ्ट में एस की टर्म है तो लेफ्ट में 1 और राइट में 4a + c, और कॉन्स्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो लेफ्ट में 0 है और राइट में 4b + d है। आपके पास ए और सी में फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन है, उन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई किया, वहां से ए और सी आ गया। उसके बाद बी और डी में फिफ्थ और सेवन्थ है इक्वेशन है, उनको आपस में सिंप्लीफाई किया तो बी और डी आ गया। तो मेरे पास ए बी सी और डी चारों आ चुके हैं। इसके बाद मैंने चारों की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 में, तो ए और सी की वैल्यू पुट होगी और बी और डी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये आया आपका सिंप्लीफाई करके। इसके बाद सिर्फ आपका लाप्लास इनवर्स बनता है, तो लाप्लास इनवर्स बहुत आसान है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि दो ही टर्म है, दोनों का लाप्लास इनवर्स अलग अलग मिल जाएगा, और दोनों अलग के लिए ऐसी टर्म है जो डायरेक्ट लाप्लास इनवर्स के फॉर्म में पड़ी है। तो आपको पता है न्यूमरेटर में एस है तो कोस का फॉर्मूला होगा, और यहाँ ए वन है और यहाँ ए टू है, तो कोस टी का फॉर्मूला बना और ये कोस टू टी, 1/3 कॉमन आ गया, तो दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था, थोड़ा सा मुश्किल रूट था इसका पार्शियल फ्रैक्शन, बट ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी लेक्चर, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह पढ़िए, मुश्किल टॉपिक है लाप्लास इनवर्स, बट एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। ओके, तो 2-3 लेक्चर और अपलोड करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो दैट आपका लाप्लास इनवर्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके।